गवली मोहल्ले के श्री राधा कृष्ण मंदिर से जन्माष्टमी पर्व के चलते संस्था युवा राधे द्वारा देवास शहर में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पहुंची। भगवान लड्डू गोपाल यात्रा में रथ में सवार हुए। यात्रा का विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के महिला पुरुष यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। भजन गायक जितेंद्र पटेल ने भजनों की प्रस्तुति दी। हनुमंत ध्वज पथक ढोल आकर्षक का केंद्र रहे। रथ यात्रा में देवास महाराज विक्रम सिंह पवार एवं सभापति रवि जैन शामिल हुए। संस्था के संस्थापक राहुल यादव ने बताया कि यह हमारी यात्रा का तीसरा वर्ष है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में रथ यात्रा का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया। आपकी संस्था का नाम क्या है और किस प्रकार का आयोजन हुआ है आज? हमारी संस्था का संस्था युवा राधे राधे है। किस प्रकार का आयोजन किया गया आज? इससे कृष्ण के पावन जन्मोत्सव के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जी को रथ यात्रा निकाली गई है। ये गवली मोहल्ले से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खेड़ापति मंदिर में समापन किया। कौन सा वर्ष था आपकी यात्रा का? ये वर्ष तीसरा वर्ष। और क्या विशेष प्रस्तुतियाँ थी इसमें? विशेष प्रस्तुति में जितेंद्र जी पटेल थे और आकर्षण केंद्र थे श्री हनुमान ध्वज पथक। ठीक है, आपका नाम? राहुल यादव, संस्था संस्थापक राहुल यादव।